हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अरेंज मैरिज का लास्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग और जंगकुक अब हनीमून पर पहुँच चुके हैं। दोनों ही बहुत ही खुश थे लेकिन बहुत थक भी गए थे। इतना जर्नी करने के बाद तियांग और जंगकुक बेड पर लेट जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल थक चुके थे, कुछ भी नहीं खा रहा था। जंगकुक तियांग को कहते हैं, तियांग चलो फ्रेश हो जाओ। तियांग जंगकुक को कहते हैं, मैं बहुत ही थक गया हूँ। जंगकुक कहते हैं, चलो फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी थकान दूर हो जाएगा और हम दोनों साथ में मिलकर बाहर जाकर डिनर करके आते हैं। तियांग कहते हैं, लेकिन क्यों, हम यहाँ पर भी डिनर कर सकते हैं, खाना ऑर्डर क्यों नहीं कर लेते हो तुम नेट पर। जंगकुक कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हमें बाहर जाकर खाने को एंजॉय करना चाहिए। हम हनीमून पर आए हैं, ऐसे ही कमरे में लेटे रहेंगे तो क्या एंजॉय करने वाले हो तुम इस हनीमून को। चलो ना तियांग, तुम बहुत ही बोरिंग हो रहे हो। तियांग इस बोरिंग वर्ड को सुनकर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो। मैं तो यही सोच रहा था, हम दोनों घर के अंदर रहेंगे और बहुत ही रोमांस करने वाले हैं, लेकिन तुम हो कि मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हो। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। जानकुक तियांग को कुछ नहीं कहते हैं। तियांग फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जानकुक तियांग के बालों पर पानी गिरते हुए देखकर वो अपने होठों को पाउट करते हुए तियांग की तरफ आ रहा था। तियांग समझ जाते हैं आखिर जंगकुक उसको किस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, तियांग उसको रोक देते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो मिस्टर, तुम अभी मुझे किस नहीं कर सकते हो। जंगकुक तियांग को कहते हैं, इसका मतलब तुम मुझे किस करने में रोक रहे हो। तियांग कहते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि तुमने मुझे बाहर घुमाने के लिए मुझे ऑफर किया, अब मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो अभी तुम्हारे साथ मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो भूख लगी है और तुम डिनर करने के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद तियांग तैयार हो जाते हैं और जंगकुक को कहते हैं, चलो मैं तैयार हो गया। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहे थे। तियांग कहते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जंगकुक कहते हैं, तुम बहुत ही फास्टली रेडी हो गए, मैं तो बहुत ही शौक हूँ, तुम इस तरह से रेडी कैसे हो सकते हो। तियांग मुस्कुरा के कहते हैं, क्योंकि तुमने मुझे बाहर डिनर करने के लिए कहा तो मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था, इसलिए जल्दी से नहा कर आ गया। चलो मैं तैयार हो गया, अब बाहर चलते हैं, अब मैं यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक यहाँ से हिल भी नहीं रहा था, वो तियांग को ही देखे जा रहे थे। तभी तियांग जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, तुम ही हो ना जिसको इतना जल्दी था बाहर जाने के लिए, तो लो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, अब तुम इतना चुप क्यों हो। जंगकुक, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। जंगकुक कहते हैं, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तियांग, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे प्यार को रिस्पेक्ट करता हूँ। जब जंगकुक और तियांग बातें कर रहा था तब जंगकुक के फ़ोन आ जाते हैं। वो तुरंत फ़ोन एक्सेप्ट करते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वो तियांग से थोड़ा सा दूर चला गया था, जिस बारे में देखकर तियांग को बहुत बुरा लगता है। और जैसे ही जंगकुक वापस आते हैं, तियांग कहते हैं, क्या हुआ, तुम किसके साथ बातें कर रहे थे, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे जानना है। जंगकुक तियांग को कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा आखिर बात क्या है। तियांग, आई एम सो सॉरी। तियांग कहते हैं, क्या, आखिर तुम मुझसे क्यों नहीं कह सकते हो तुम किसके साथ बातें कर रहे थे, जबकि मैंने युंगी के साथ बातें करने के टाइम पर तुम्हारे सामने ही बातें कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे दूर चले गए, आखिर जंगकुक तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। जंगकुक कहते हैं, आखिर तुम्हें जानना है। तियांग कहते हैं, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, आखिर तुम किसके साथ बातें कर रहे थे। जंगकुक कहते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तियांग गुस्सा हो जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तियांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर क्या करते हैं और किसके साथ बातें करते हैं। तुम अगर काम की बातें कर रहे थे तो मुझसे दूर क्यों चले गए। जंगकुक, प्लीज़ मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। जंगकुक कहते हैं, चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, उसके बाद तुम सामने से ही देख लेना। तियांग कहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे सामने से दिखाने वाले हो। जंगकुक, आखिर तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ इस तरह से चुप मत रहा करो, मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ,
तुम मुझसे क्या छुपा कर बातें कर रहे थे और किससे बातें कर रहे थे? त्यांग, जंगू की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं वो किसके साथ बातें कर रहा था। जंगू कहते हैं, मैं जिससे बातें कर रहा था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। त्यांग कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, जो भी हो फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो फिर जंगू कहते हैं, तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें किसी और चीज़ के पास लेकर जाता हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा और तुम पेट भर के डिनर करने वाले हो। तुम शायद भूल गए हो, हम दोनों साथ में मिलकर डिनर करने जाने वाले थे। अब चका त्यांग कहते हैं, हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं अब डिनर नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा तुम किसके साथ इतना हैप्पीली बातें कर रहे थे। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ के उसको होटल के बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर जंगकुक ने त्यांग के लिए सरप्राइज प्लान किया है, हनीमून नाइट और साथ में डिनर करने वाले हैं। त्यांग इस टेबल को इस तरह से डेकोरेट करते हुए देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सब कुछ हम दोनों के लिए है? जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगा? त्यांग कहते हैं, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं, आखिर तुम ये सब कुछ प्लान कर रहे थे और तुम किसके साथ बातें कर रहे थे? जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं, अभी भी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो मैं किससे बातें कर रहा था, यहाँ का मैनेजर के साथ बातें कर रहा था। तो फिर मैनेजर आ जाते हैं तो जंगकुक त्यांग को कहते हैं, इससे बातें कर रहा था इन सारी चीज़ों के लिए कि सब कुछ रेडी हो चुके हैं या नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर आने के बाद तुम्हें इंतज़ार करना पड़े। अब ये सब कुछ जो है हम दोनों के लिए तैयार किया गया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? त्यांग त्यांग जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? जंगकुक कहते हैं, बहुत प्यार, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, त्यांग मुझ पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग भी जंगकुक को सेम बात ही बोलते हैं। जंगकुक त्यांग को आई लव यू बोलते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। त्यांग, ऐसे ही हमेशा मेरे पास ही रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊँगा। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद दोनों ही साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से डिलीशियस खाने को एंजॉय करने के बाद। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुम्हें डेजर्ट क्या खाना है? तुम जो पसंद करोगे मैं वही ऑर्डर करने वाला हूँ। त्यांग कहते हैं, नहीं मैं चाहता हूँ तुम खुद से ऑर्डर करो, मुझे तुम्हारी पसंद की डेजर्ट खाना है। जंगकुक त्यांग के लिए स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री लेकर आने के लिए कहते हैं। त्यांग बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता मुझे स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बहुत पसंद है? जंगकुक तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूँ उतना ही बुरा बन जाऊँगा किसी और के लिए जो तुम्हारी तरफ आँख उठाकर देखेगा। त्यांग कहते हैं, माफिया जैसे बातें करना बंद करो जंगकुक, कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर कोई मुझे देखता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? जंगकुक कहते हैं, नहीं तुम्हें कोई और नहीं देख सकते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें देखूँगा और कोई नहीं देखेगा। त्यांग तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं देखोगे, और अगर किसी ने तुम्हें देखा भी तुम उसको इग्नोर कर दोगे, मुझे प्रॉमिस करो। त्यांग कहते हैं, क्या पागलपन है जंगकुक? जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए साइको बनता जा रहा हूँ। त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, अब बस भी करो बहुत हो गया। लेकिन नहीं, जंगकुक सच बोल रहा था, वो त्यांग को अब किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, और ना ही त्यांग को अगर कोई घूरता है तो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए जंगकुक त्यांग को इस बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्यांग को तो ये सब कुछ मजाक लग रहा था। उसके बाद त्यांग जंगकुक के साथ उस पेस्ट्री को कट करते हैं और उसको एंजॉय करने लगते हैं। वो पेस्ट्री बहुत ही टेस्टी था, त्यांग के होठों पर लग जाते हैं। जंगकुक जैसे ही त्यांग के होठों पर केक लगा हुआ देखता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं और त्यांग को यहीं पर ही बहुत ही फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं, और त्यांग के साथ यहीं पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। त्यांग जंगकुक को रोक देते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो? जंगकुक उसके बाद होश में आ जाते हैं और त्यांग से दूर हो जाते हैं और कहते हैं, सॉरी
मुझसे गलती हो गया है। तियांग कहते हैं, इट्स ओके। लेकिन जॉनकुक, क्या तुम्हें नहीं लगता है हमें ये सब कुछ यहाँ पर नहीं करना चाहिए? जॉनकुक कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम हो ही इतना क्यूट, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया और मैं तुम्हें यहाँ पर ही किस करना शुरू कर दिया, सॉरी तियांग। तियांग कहते हैं, इट्स ओके। लेकिन जॉनकुक तियांग को अपने गोद में उठा लेते हैं। ब्राइड स्टाइल की तरह तियांग जॉनकुक को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनकुक तियांग को छोड़ नहीं रहा था, उसको इसी तरह से होटल के अंदर लेकर आते हैं। जैसे ही ये दोनों अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं, तियांग रूम को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। उसकी बेड बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। बेड के चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे। उसको देखकर लग रहा था शायद ये बेड तियांग और जॉनकुक को ही बुला रहे थे अपने पास। तियांग उस बेड को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जॉनकुक देखो ना, शायद किसी ने अपने प्यार के लिए ये सब कुछ अरेंजमेंट किया होगा और हम शायद गलती से इस रूम में चले आए। मुझे लगता है ये किसी के फास्ट नाइट के लिए तैयार किया है। जॉनकुक कहते हैं, क्या कहा तुमने, किसी और के लिए? तियांग कहते हैं, क्या मतलब? जॉनकुक तियांग को बेड की तरफ लेकर जाते हैं और उसके बेड के अंदर पुश कर देते हैं। तियांग जॉनकुक को कहते हैं, क्या कर रहे हो जॉनकुक, हमें यहाँ पर इस तरह से सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जॉनकुक तियांग की किसी भी बात को नहीं सुनता है। वो तियांग को किस किए जा रहे थे। उसके होठों पर अपनी टांग को इन करते हुए वो बहुत ही प्यार से सक कर रहा था। इसके बाद तियांग भी समझ आता है आखिर ये सब कुछ जॉनकुक ने तियांग के लिए किया। लेकिन तियांग को इस बात का बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, आखिर जॉनकुक इन दोनों के लिए इस तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसको देखकर लग रहा था इन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है। जॉनकुक तियांग के साथ इंटीमेट हो जाने के बाद तियांग को टाइटली पकड़ के सोया हुआ था। तियांग जॉनकुक की चेस्ट पर अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, जॉनकुक तुमने आखिर में हमारे लिए इतना कुछ अरेंजमेंट किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सच में हम दोनों की आज फर्स्ट नाइट हुआ है। तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। जॉनकुक तियांग के फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, हाँ मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी की फर्स्ट नाइट बहुत ही अच्छे से नहीं हुआ था। शादी तो हो गए थे लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। अब जाके हम दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट कम्प्लीट हुए। मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम्हारे ऊपर गुस्सा करते हुए मैंने तुम्हें उस दिन टच भी नहीं किया, सॉरी तियांग, तुम्हें कहीं बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग कहते हैं, नहीं जॉनकुक, मुझसे गलती हुआ था, जो मैंने इतने लवली और केयरिंग हस्बैंड को मना कर दिया था शादी करने के लिए। बातों ही बातों में जॉनकुक तियांग के होठों पर दोबारा से किस कर लेते हैं और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। जॉनकुक तियांग को बाहों में उठाकर वो वॉशरूम लेकर आते हैं और उसके साथ यहाँ पर भी दोबारा से इंटीमेट होते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फन कर रहे थे, वाटर के साथ ये दोनों ही खेल रहे थे। जॉनकुक तियांग को कहते हैं, अब बस भी करो। तियांग कहते हैं, मैंने क्या किया है, तुम ही तो मेरे ऊपर पानी फेंक रहे हो। जॉनकुक इस तरह से मत करो, मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहा है, मुझे इस तरह से टच करना बंद करो। लेकिन जॉनकुक कहाँ सुनने वाले हैं, वो भी यहाँ पर नॉटी हरकतें कर रहे थे। और बहुत देर तक वॉशरूम में रहने के बाद दोनों ही फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद तियांग और जॉनकुक तैयार होकर बहुत ज़्यादा घूमने लगते हैं। ये दोनों इतनी जगहों पर जाते हैं कि पूरी तरह से थक चुके थे। शाम को घर वापस आ जाते हैं और होटल में आ जाने के बाद तियांग और जॉनकुक अपने कमरे में आकर बेड पर सो जाते हैं। अब ये दोनों ही सो चुके थे, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं। जॉनकुक और तियांग एक दूसरे की हैंड पकड़ के पूरी रात सोए हुए थे। जैसे ही सुबह हो जाते हैं नेक्स्ट डे, तियांग जॉनकुक की फोरहेड पर किस करके बोलते हैं, हस्बैंड सुबह हो चुकी है, तुम्हें नहीं लगता है कि अभी उठ जाना चाहिए? जॉनकुक वो नहीं उठ रहा था। तो फिर तियांग मजाक करते हुए एक चॉकलेट लेकर जॉनकुक के होठों पर टच करते हैं, जिससे जॉनकुक उस चॉकलेट को खाने लगता है। जैसे ही वो चॉकलेट ख़त्म हो जाता है, तियांग को लगता है वो एक और चॉकलेट जॉनकुक के मुंह पर लेकर आएगा और उसको खाने के लिए सामने देगा। लेकिन जॉनकुक तियांग की हैंड पकड़ लेते हैं और उसके बेड के साथ कस के पकड़ के उसके होठों पर किस करना शुरू करते हैं। तियांग जॉनकुक की ऐसी हरकतों को देखकर शाई फील करते हैं। उसके बाद कहते हैं, जॉनकुक तुम सोए नहीं थे क्या? जॉनकुक कहते हैं, नहीं
मैं सोया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उठ चुके हो और मेरे फोरहेड पर किस किया, तो मैं देखना चाह रहा था तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो जब मैं सोया रहता हूँ। जॉन कुक त्यांग को ये बोलते हैं उसके ओर जा रहा था। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो, अभी मेरे पास मत आओ, मैं बहुत थक गया हूँ, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और मैं सच में बहुत पेन फील कर रहा हूँ। लेकिन जॉन कुक त्यांग को दोबारा से उसकी पूरे फेस पर किस करने लगते हैं। यही वजह है जो त्यांग को लगता है जॉन कुक उसके साथ फिर से इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन त्यांग पूरी तरह से थक चुके थे। जॉन कुक त्यांग को किस करने के बाद वो उसको टाइटली हक करते हुए सो जाते हैं और त्यांग को धीरे से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाला हूँ क्या? मैं जानता हूँ तुम बहुत थक चुके हो, अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही तुम ठीक हो जाने वाले हो मैं दोबारा से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा और तब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। त्यांग कहते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे लगता है तुम मुझे इसी तरह से बीमार कर दोगे और मैं जब ठीक हो जाऊँगा दूसरी ही पल में मुझे बीमार कर दोगे। त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, इसको बीमारी नहीं कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं। इसी बातों को सुनकर त्यांग को हंसी आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं और किस करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। त्यांग और जॉन्गकुक हनीमून से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर युंगी और जिमिन भी शादी कर लेते हैं और जेहोप वो अब किसी के साथ भी नहीं है, वो सिंगल है। लेकिन जब उसको मौका मिलता है किसी के साथ भी वो फ्लोटिंग करता है और डेट करने लग जाते हैं। और हमारे नामजिन वो पहले से ही साथ में है और हमेशा साथ रहते हैं। इन दोनों की प्यार की मिसाल हमेशा सब लोग देते हैं, प्यार करना हो तो नामजिन जैसा करना। सो गाइस इस फैन फिक्शन को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को फैन फिक्शन कैसे लगे, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।